पटियाला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फिरौती मांगने वाले गिरोह के 5 मेंबर हथियारों समेत किए गिरफ्तार। सारे मामले पर प्रेस वार्ता करते हुए एसएसपी पटियाला डॉक्टर नानक सिंह आईपीएस ने बताया है कि पकड़े गए 5 मुलजिमों के ऊपर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह फोन के जरिए गैंगस्टर्स का नाम लेकर फिरौती की मांग करते थे। इनके पास में 3 पिस्टल, 18 कारतूस बरामद किए गए हैं। एसएसपी नानक सिंह ने कहा है कि बरामद किया गया एक पिस्टल पहले भी एक वारदात में इस्तेमाल किया जा चुका है। एसपी नानक सिंह ने बताया है कि यह एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिससे पहले पुलिस की सतर्कता के इन्हें पकड़ लिया गया। हम माननीय अदालत में इन्हें पेश कर आगे का रिमांड हासिल करेंगे। पीडी ते इंचार्ज सी आई ए इन्होंने रिकवरी की है, 3 वेपन बरामद हुए ने ते नाल 18 जड़े ने राउंड बरामद हुए। ये इंट्रस्टिंगली एक जड़ा वेपन है 32 बोर का पिस्टल है जड़ा, ये पातड़ा एक फायरिंग केस होया सी, उहदे विच एक बंदा रहिंदा सी अरेस्ट करन वाला गुरसेवक उर्फ सेवक सिंह, ते बाद च दूजा एक होर बंदा ये नॉमीनेट होया सीगा जिसका कि नाम हैगा संदीप सिंह उर्फ सुखा। सो ये दोवें भी अरैसट किए गए हैं। इस तो अलावा 3 बंदे होर अरैसट किए गए हैं जिदे सुखवीर सिंह उर्फ विशाल सिंह है, ये मानसा का रहने वाला, हरबंस सिंह उर्फ निकड़ी ये भी मानसा का रहने वाला, तो सुखविंदर उर्फ बॉबी ये भी मानसा का रहने वाला। जिहड़े पहला 2 बंदे अरैसट किए गए हैं पातड़ा वाले केस च, उहदे चों भी एक मानसे का एक मुक्तसर साहब का। सो टोटल 5 बंदे इहदे च अरैसट होए ने, 3 वैपन बरामद होए। इन्हों की जी हिस्टरी है, इन्हों मल्टीपल परचे दर्ज ने एक्सैप्ट फॉर 1 अक्यूज जो बॉबी है। जेडे बाकी बंदे ने इन्हों 307 के भी परचे ने, 302 के भी परचे ने, तो आर्म्स एक्ट के भी परचे, 379B लुटा खूह का भी परचे है। इन्होंने इन्होंने 2 जगह पर रैकी भी की, एक्सटॉर्शन वास्ते फोन कॉल्स भी कीतियां, हजे असी इन्हों तो पुछगिछ करके प्रॉपर डिटेल च फिर पता लगेगा कि किहड़े बंदे सी जिहड़े इन्हां दे टारगेट ते सीगे। बट दैट इज़ वेरी श्योर कि एक्सटॉर्शन दा काम कर रहे सीगे, फोन करते सी गैंगस्टर्स दा नाम लेके कि सानूं इन्ने पैसे दो, नहीं तो असीं तुहाडे फायरिंग करांगे, बच्चा दा नुकसान करांगे, तुहाडा नुकसान करांगे। सो जिवें मैं दस्सिया कि रैकी भी इन्होंने की सी, सो ये फिराक च सीगे किसी ना किसी दा नुकसान करन। सो एक वड्डी वारदात जिहड़ी है वो अवर्ट की गई है, रोकी गई है इन्हां दी अरेस्ट दे नाल। तो बाकी इन्हों की रिमांड लैके जो इन की पुछगिछ करा होर भी चीज़ा सामने आ। फिलहाल किसी ने फिरौती का कॉल किया गया सी? बिल्कुल, फिरौती का कॉल इन्होंने किया, जिवें मैं कहा कि रैकी भी इन्होंने की सी। कुछ पुरानिया कॉल्स भी ने, इस साल दिया भी है, कुछ पुराने पिछले साल दिया भी है, कुछ पटियाला जिले दियाँ, कुछ बाकी जिले दियाँ। सो सारी सारी डिटेल्स जो इन्वेस्टिगेशन होगी, इंटरोगेशन होगी, सामने आने। गैंगस्टर का नाम लेंदे सीगे बट हजे तक इन्हों का कोई लिंक एज सच साडे वालों नहीं एस्टैबलिश किया गया। वो जदों पुछगिछ होगी उदे आएगा कि इन्हों का कोई लिंक उन्होंने हैगा गैंगस्टर नाल। वो जिहड़े एक्यूज जिहड़े अपने इहदे च मदई ने, जिहड़े परचे दर्ज होए आ जिन्हां नूं थ्रेट कॉल्स आई आ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਜੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਊਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਟ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸਰਟਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਰਟਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
पटियाले रह के गए ने इत्थे एक होटल च भी रह के गए सो उत्थे होटल च भी इन्हां दे सानू मिलिया प्रूफ के रह के गए ने उस होटल की भी असी सारी जांच कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि किहड़ियां आई डीज़ ते रहे ने ते वो आई डी जिहड़ी सी उहने प्रॉपर ली है नहीं ली सो सारी तफतीश चाहूगा कि कौन टारगेट ते सीगा जिवें मैं कह रेकी कीती गई है उसके बेसिस ते कह रहा बिकॉज ये होटल च रह के गए। इंडिया क्राइम न्यूज, जुल्म के खिलाफ जंग, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज।